वालेकुम कैसे हैं आप सब आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहा हूं कि आप इस स्ट्रेटजी को जब यूज़ करेंगे अपने चार्ट पर अपने ट्रेडिंग जर्नी में अपने रियल अकाउंट पे तो आपका अकाउंट हज़ार परसेंट से भी ज़्यादा ग्रो करेगा आपकी लॉस रेट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आपकी विन रेट सौ परसेंट से भी ज़्यादा हो जाएगा डेली बेस पे तो ये स्ट्रेटजी मैंने बहुत कोशिश किया अपने चैनल पर जितनी वीडियो मैंने अपलोड की है बहुत ही ज़बरदस्त और प्रोफेशनल वीडियो मैंने अपलोड की है इसमें मैंने कोई कसर नहीं छोड़ा है ताकि आप लोग सही तरीके से सीख पाए ट्रेडिंग को तो आज ये वीडियो आप लोगों के लिए अहम इसीलिए हो सकती है कि आपको मैं डिफरेंट किस्म के करंसिस पर आप जिस भी करेंसी पर ट्रेड करना चाहते हैं आप एक एडवांस ट्रेडर बन जाएंगे और मैंने सात आठ साल का एक्सपीरियंस इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ फ़्री ऑफ़ कॉस्ट शेयर कर रहा हूं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल पर अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे व्हाट्सएप चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर मैं फ्री ऑफ़ कॉस्ट सिग्नल शेयर करता हूँ और अपने चार्ट का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इसीलिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को देख कर आप डिफरेंट किस्म की करेंसीज पर एंट्री लेंगे और आपकी एंट्री सौ परसेंट से ज़्यादा होगी आपकी एंट्री का रेट विन रेट सौ परसेंट से भी ज़्यादा हो जाएगा तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की इस वीडियो को आपने यूज़ करना है डेली टाइम फ्रेम को अपने ट्रेडिंग की जर्नी में जब आप डेली टाइम फ्रेम को यूज़ करेंगे तो आपने ये देखना होगा कि अभी एक ट्रेंड है उसको आपने देख लेना होगा अगर आप किसी भी करेंसी पर मतलब किसी भी करेंसी का चार्ट ओपन करेंगे और उसका ट्रेंड और इस तरीके से जा रहा हूँ अपसाइड पे देख सकते हैं ये अपसाइड पे जा रहा था ये देख सकते हैं मार्केट अपसाइड पे जा रहा था तो आपने ये देखना है कि एक ट्रेंड लगाना है अपने चार्ट के ऊपर जिस भी करेंसी पर आपको सेटअप मिल जाए ये डिफरेंट किस्म की करेंसी है और जिस पर भी आपको इस तरीके का ट्रेंड नज़र आ जाए कि अब ट्रेंड हो और आपने उसको देख लेना है अपने चार्ट पर तो वीडियो अभी स्किप नहीं करना इस पर आप लोगों को बहुत कुछ बेनिफिट मिल सकता है आप लोगों ने ध्यान से देखना है इस वीडियो को इसमें आपने यूज़ करना होगा पेशेंट सब्र आपने यूज़ करना होगा अपनी लाइफ में कि जब आप इस तरीके का ट्रेंड लगाओगे तो आपने जब आपका जो भी करेंसी का ट्रेंड ब्रेक हो जाए इस तरीके से देख लीजिए इस तरीके से जब ब्रेक हो जाए एक ट्रेंड जब ब्रेक हो जाए तो आपने इंट्री का कोई सोचना नहीं है इंट्री का आपने कोई सोच नहीं रखना है जो मैं आपको समझाता हूँ उसी तरीके से आपने अपने एंट्री लेनी है तो क्या करना होगा आपने वेट करना होगा ये डेली टाइम फ्रेम है तो इस ट्रेन को आपने ड्रॉ किया और यहाँ पर ब्रेकआउट दिया मार्केट ने जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो उसके बाद दो दिन और भी मार्केट ने लगाए हैं यहाँ तक पहुँचने में ठीक है दो दिन यहाँ तक पहुँचने में मार्केट ने लगाए तो ये क्या हुआ ये जगह देख सकते हैं इस पर मैं अभी छोटे टाइम फ्रेम पर आप लोगों को लेकर जाता हूं और वहां पर मैं आपको समझाता हूं कि आपके लिए कितनी क्लियर एंट्री यहां पर बन गई देख सकते हैं आपने वेट करना है जब तक इस तरीके का सिचुएशन नहीं आता है आपने कोई एंट्री नहीं लेनी है जो मैं आपको समझाता हूं वही उस उसी तरीके की एंट्री आपने एग्जीक्यूट करनी है तो मैं डेली से अभी एच के टाइम फ्रेम पर जाता हूँ और वहाँ पर आपको समझाता हूँ कि आपने इंट्री किस तरीके से लेनी है तो देख लीजिएगा ये देख सकते हैं ये वही टाइम फ्रेम है लेकिन एच फोर पर मैं लेकर आ चुका हूँ तो आपको यहाँ पर ये अंदाजा हो गया कि एच फोर में देख सकते हैं। एच फोर में ये जगह देख सकते हैं। ये नेक लाइन का एरिया है अगर आप बिगिनर हैं तो नेक लाइन की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की है अपने चैनल पर उसको आप देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि नेक लाइन किस तरीके का होता है मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड की है तो ये नेक लाइन है जब नेक लाइन पर मार्केट पहुंच जाता है तो 100 परसेंट वहां से रिजेक्शन का आता है मार्केट ठीक है 100 परसेंट रिजेक्शन का आता है तो यहां से आपने जो एंट्री लेनी है जो कि आपकी रिस्क फ्री एंट्री है वो आपने कितने कैंडल्स की रखनी है आपने जस्ट इस एंट्री को देख सकते हैं ये तुम्हारा इंट्री जो कि 20-25 पिप आपको हर पेयर पर डेली बेस पे मिलते हैं अगर आपको डेली बेस पे 20-25 पिप नहीं मिलते हैं जो कि 100 परसेंट विन रेट है इसका तो छोड़ने दो एक हफ्ता वेट करो आपकी एक एंट्री आपको लाखपति बना सकता है आपकी विन रेट 100 परसेंट से ज़्यादा होगी आपकी लॉस रेट नहीं होगी तो ट्रेडिंग से ज़्यादा पैसा किसी भी जगह पर आपको नहीं मिलती है तो इसी तरीके की अगर आप पेशेंट यूज़ करेंगे अपनी ट्रेडिंग की जर्नी में और आप वेट करेंगे तो आपको एक सौ परसेंट प्रोफिटेबल इंट्री मिल सकती है तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैंने किस तरीके का आप लोगों को समझाया कि आपने डेली टाइम फ्रेम पर अपने ट्रेड को लगाना है अगर मार्केट अपसाइड पे जाना चाहते ही है उसके बाद ब्रेकआउट करे ब्रेकआउट के बाद आपने वेट कर लेना है कि उसका रिट्रेस हो जाए कंप्लीट तो रिट्रेस जब कंप्लीट करे मार्केट तो क्या करना होगा यहाँ पर आपने एक और काम करना होगा जो कि बोलता है उसको फिर बनाची रिट्रेचमेंट आपने फिबोनाची रिट्रेचमेंट कहाँ से यूज़ करना होगा आपने डेली टाइम फ्रेम पर फिर से मैंने मैं आपको लेके जाता हूँ और आपको समझाता हूँ कि ये एंट्री आपकी क्यों सौ परसेंट प्रॉफिटेबल हो गई अभी यहाँ से जो ऊपर का मार्केट जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन खाई थी वहाँ से लेकर नीचे लो पॉइंट तक एक फिबोनाची लेवल को यूज़ करें ये जगह देख सकते हैं ये तुम्हारा फिबोनाची लेवल का एरिया है जहाँ से मार्केट ने ब्रेक आउट दिया है नीचे तो अभी मैं इसके लो तक इस पे बनाची को यूज करता हूँ कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक रिजेक्शन कहती है ये फिर बनाची लेवल है और इसको मैं नीचे तक लेकर जाता हूँ देख सकते हैं ये मार्केट अभी देखे मार्केट ने जीरो पॉइंट सिक्सटी वन तक देख सकते हैं ज़ीरो पॉइंट सिक्सटी वन के एरिया तक मार्केट ने वहाँ से रिजेक्शन का ही है देख सकते हैं ज़ीरो पॉइंट सिक्सटी वन से मार्केट ने रिजेक्शन का ही और आपने बीस पच्चीस पिप ही अपनी एंट्री को होल्ड कर लेना है क्योंकि अगर आप बीस पच्चीस पिप इसको होल्ड करेंगे तो आपकी टी पी तीस मिनट के अंदर हिट हो सकती है तो 30 मिनट के अंदर अगर आप एक बड़े ट्रेड को ओपन करेंगे और आपकी ट्रेड आ, मतलब विन हो जाए तो इससे बड़ी अच्छी और प्रोफेशनल ट्रेडिंग की इंट्री आपकी कभी नहीं हो सकती तो मुझे दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़